एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पीनेस मीन्स यू। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो इन टुडेज़ वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ टीनेज स्किन केयर रूटीन। जी हाँ, इस रूटीन को बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों फॉलो कर सकते हैं, तो दोनों के लिए ही है ये रूटीन। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगी टीनेज कौन कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि टीनेजर्स को ज़्यादा पॉकेट मनी नहीं मिलती है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और स्किन केयर आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स बताऊँगी, जिसमें कोई भी इतना हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, जो आप इजीली अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारी स्किन टीनेज में होती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जेंटल, तो हमें उसका अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। मैंने जब मेरा टीनेज स्टार्ट हुआ था तो मैंने अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। आप देख सकते हैं मेरी स्किन पे तो कोई भी पिंपल्स, ब्रेकआउट्स जैसी प्रॉब्लम टच वुड मुझे अभी नहीं है। तो आप भी सेम उसी तरीके से अपनी स्किन का ख्याल रखिए, ताकि आपको इन फ्यूचर जब आप टीनेज से आगे एज में जाएंगे तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और साथ ही क्लिक कर दीजिएगा नोटिफिकेशन बेल को, ताकि कोई भी आप वीडियो का अपडेट मिस ना करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे ही हम लोग टीन एज में अपना फर्स्ट स्टेप रखते हैं तो हमारे बॉडी में होते हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस। बॉडी के साथ साथ हमारी स्किन भी अलग तरीके से बिहेव करती है, तो हमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए। थोड़ा सा उसको भी टाइम देना पड़ता है। तो एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करके आप अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रख सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास यहाँ पे फेस वॉश। तो आपको हमेशा अपने फेस को दिन में सिर्फ 2 बार वॉश करना चाहिए। एक आपको मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हैं तब वॉश करना है, और एक आपको नाइट में वॉश करना है। तो आप फेस वॉश के लिए यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी हिमालया प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश, क्योंकि मैंने जिससे मेरे टीनेज स्टार्ट हुआ था मैंने हिमालय फेस वॉश यूज़ किया और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और इससे आपको कोई भी पिंपल्स, क्योंकि इसमें नीम है तो कोई भी पिंपल्स वगैरह की आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और इसमें ऑलरेडी मेंशन है प्रिवेंट्स करता है पिंपल को, और हिमालय सिंस 1930 से है हमारे साथ। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ट्रस्टेबल ये प्रोडक्ट है और ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आपको हिमालय फेस वॉश के लिए, बहुत अच्छा है, आप यूज़ कीजिएगा। फेस वॉश के बाद बात कर लेते हैं टोनर की। फ्रेंड्स, टोनर उतना ही ज़रूरी है जितना हम अपने फेस को वॉश करते हैं, क्योंकि पोल्यूशन जो होता है हमारे पोर्स में चिपक जाता है और उसकी गंदगी को साफ़ करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक टोनर की। तो मैं यहाँ पे कोई भी आपको महंगा टोनर ख़रीदने के लिए नहीं बोलूँगी। आप नॉर्मल डाबर, गुलाबरी का, रोज़ वाटर या फिर पतंजलि का, जो भी आपको अच्छा लगता है आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं एज अ टोनर अपनी स्किन पे। फेस वॉश करने के बाद आपको करना क्या है, आपको एक कॉटन बॉल लेना है या फिर जो भी नॉर्मल कॉटन पैड आप जो भी यूज़ करते हो, आपको उस पर थोड़ी सी ड्रॉप लेनी है रोज़ वाटर की। अगर आप स्प्रे वाला यूज़ कर रहे हैं तो आप स्प्रे नॉर्मल कर सकते हैं अपने फेस पे, वो तो और भी अच्छा रहेगा। या आप कॉटन पैड पे लेके उसको थोड़ा थोड़ा डैप कर लीजिए अपनी स्किन पे, और बस आपकी स्किन रेडी है टोन होने के लिए। नेक्स्ट स्टेप आता है फेस क्रीम का, यानी अपने फेस को मॉइस्चराइज करने का। अब आपने फेस वॉश कर लिया, उसके बाद मॉइस्चराइज़र भी बहुत ज़रूरी है फेस पे लगाना। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी जॉनसन बेबी लोशन का मॉइस्चराइज़र, या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं प्योर एलोवेरा जेल। तो मेरे पास यहाँ पे पतंजलि का है तो मैं पतंजलि यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास प्योर है तो आप प्योर एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे। और डाबर, जॉनसन बेबी या फिर हिमालय बेबी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे बेबीज़ के फेस पे यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही जेंटल है। और यहाँ पे मेंशन भी है कि क्लिनिकली प्रूवन है, ये माइल्ड लोशन होता है तो आपके स्किन पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स ये नहीं देगा और बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। बहुत अच्छा लोशन है ये, मेरे पास जॉनसन बेबी का मैं अभी भी यूज़ करती हूँ, या हिमालय का भी आता है, हिमालय बेबी लोशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। सो हाईली रिकमेंड करूँगी मैं ये 2 प्रोडक्ट्स। आपको जो भी अच्छा लगता है आप इसमें से वो यूज़ कीजिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सनस्क्रीन की। जी हाँ, अगर आप कहीं भी धूप में बाहर जा रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है अपनी फेस पे सनस्क्रीन को अप्लाई करना, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हार्मफुल रेज होती हैं सन की जो हमारे फेस पे बैड इफेक्ट डाल सकती हैं, हमारी स्किन को टैन बना सकती हैं। तो उससे बचने के लिए आपको एक अच्छा सा सनस्क्रीन यूज़ करना है। मेरे पास यहाँ पे अभी जॉय का है तो मैं आपको जॉय का रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि आप ये बजट फ्रेंडली है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप लोटस का या फिर लैक्मे का परचेज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी जॉय का लेने के लिए। ये भी काफ़ी अच्छा है, UVA+ UVB प्रोटेक्शन के साथ आता है, PA++ है और SPF 20 है इसके अंदर। तो काफ़ी अच्छा लोशन है ये भी आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिप बाम की। हम अपने पूरे फेस का तो अच्छे से ध्यान रख लेते हैं बट हमारे लिप्स जो हैं वो रह जाते हैं। लिप्स भी बहुत सेंसिटिव पार्ट है हमारे फेस का, तो उसका भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है, अदरवाइज़ वो ड्राई और चैप्ट हो जाते हैं तो आपकी स्किन का पूरा जो लुक है वो उसको बिगाड़ देगा। तो आपको उससे बचने के लिए कोई भी एक अच्छा सा लिप बाम यूज़ करना है जो भी आप यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे आपको वैसलीन रिकमेंड करूँगी, वैसलीन से अच्छा और कुछ नहीं है। तो वैसलीन 5 रुपये का भी छोटा सा उसका पाउच कह रही हूँ, थोड़ी छोटी सी बॉटल आती है कंटेनर, वो आप ले सकते हैं। और या अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप लैक्मे लिप ग्लव खरीद सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, जो भी आपको, या निविया के भी लिप बाम आते हैं, जो भी आपको सूट करता है आप वो परचेज़ कीजिए। बट आपको लिप को मॉइस्चराइज हमेशा रखना है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेकअप रिमूवर की। अगर आप किसी भी पार्टी में गए हैं या थोड़ा भी हल्का फुल्का मेकअप अपने फेस पे अप्लाई किया है लाइक लिपस्टिक या फिर काजल, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है महंगे किसी भी मेकअप रिमूवर में इन्वेस्ट करने की। आप सिंपल सा पैराशूट कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर जॉनसन बेबी ऑयल। तो जॉनसन बेबी ऑयल थोड़ा सा कॉस्टली आता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर लें क्योंकि ये बहुत अच्छा है। 30 रुपीज़ की इतनी बॉटल है तो काफ़ी अफोर्डेबल रहेगा आपके लिए। आपको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल अप्लाई करना है आपके मेकअप पे और इजीली वो रिमूव हो जाएगा। आप ट्राई करके देखिएगा, आप मुझे थैंक यू बोलोगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, लिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको फॉर श्योर उसका रिप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स, ये था मेरा टीनेज स्किन केयर रूटीन वीडियो। आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट तो करते हो यार बट आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर आए हो, आप कमेंट कर रहे हो तो आप प्लीज़ उसको लाइक भी कर दीजिएगा, या वीडियो देख रहे हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता यार, एक लाइक दे दीजिएगा मेरी छोटी सी मेहनत को। तो अगर आप आए हैं मेरे चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को, जिससे आपको मेरे अपडेट्स वीडियो के मिलते रहें टाइम टू टाइम। और इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, ऑल ऑफ यू, लव यू, टेक केयर।